हाँ लो गाइस, देखिए सबसे पहले आलू को उबाल लेना है और आलू को चेक करते रहना है अपन को। इतना उबालना है कि उसको दबाएं तो पूरी तरीके से सॉफ्ट होकर के दब जाए, ऐसा नहीं कि नहीं हो, है ना। तो अभी उबलेगा, इसके पश्चात अपन नमक और जितने भी मसाले हैं उनको तैयार करते हैं। इसमें धना और नमक, लाल मिर्च और हल्दी ये सब डालना है और इसको अच्छे बारीक से पीस लेना है। नमक को अच्छे से पीसने के बाद इसको स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा करके पीसते हैं। धनिया को जब तक बढ़िया से इसको फ्रेश हवा में रख देते हैं और इसके बाद पश्चात अभी देखते हैं कि अपन का आलू पूरी तरीके से उबला है कि नहीं। खोलते हैं ढक्कन और देखते हैं, इसमें से भी बहुत तेज़ धुआं है और इसको चेक करते हैं कि अभी पकड़ में नहीं आ रहा। हाँ आ गया, और इसको देखते हैं अपन कि पूरी तरीके से उबल चुका है आलू कि नहीं, तो दबाएंगे। अभी देखो थोड़ी सी बाकी है, पूरी तरीके से नहीं उबला है। जैसे ही उबल जाएगा तो पूरा दब जाएगा दबाने पे, नहीं हो रहा अभी। तो इसको भी वापस डाल देंगे, पकेगा। जब तक अपन नमक को अच्छे बारीक से पीस लेते हैं। नमक इतना बारीक पीसना है कि उसमें ज़्यादा बड़ा ना दाना फंसे नमक का कोई भी। तो अभी पीस गया है नमक, और मिर्च मसाले भी थोड़ा सा पीसते हैं। तो मिर्च और धना, हल्दी ये भी मसाले भुने हुए हैं, इनको अच्छे से पहले हम भून लिए हैं फिर इसको पीसेंगे। तो ये देखो बारीक होकर के पीस गया है। और जिंजर जो है, अदरक, अदरक को भी अपन पीस लेंगे इसी में। और ये हरा धनिया है जो, तो इस हरे धनिया को भी अच्छे से वाश कर लेंगे। और ये आलू को देखते हैं खोल करके क्या हुआ, इसका पका कि नहीं। तो देखते हैं उबल गया पूरी तरीके से कि नहीं। तो इसको दबाते हैं अपन, गरम तो है, हाँ फूट गए लेकिन ठीक है। तो ये अब पूरी तरीके से उबल चुका है, इसको बाहर निकाल लेंगे आग से और इसको एक उस बर्तन में रख लेंगे जब तक अपन धनिया को पीसते हैं। तब तक आलू ठंडा हो जाएगा। तो धनिया को इतना बारीक पीसना है लाइक दिस, इस तरह आपको बचा के रखना है, उंगली ना कटने पाए, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह की बारीक कटना है आपको, जैसे ये कट गई हैं देखो। और ये पूरा कट गया अपन का, आलू को छीलते हैं थोड़ा सा, और पूरी जब छिल जाएंगी तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपन। तो अब मिक्स करना है पूरे मसाले डाल करके, और ये छिल गई हैं और मिक्स कर लिया अपन ने। धनिया, हरी पत्ती जो थी, और जो मसाले थे अपन, नमक स्वाद अनुसार डाले हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर रहे हैं, पूरी तरीके से मिक्स कर लेना ताकि टेस्ट पूरे पराठे में स्वाद अनुसार रहे, है ना। नमक की मात्रा कभी ज़्यादा कम ना होने पाए, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह से पराठे का अपन निर्माण करेंगे। ये देखिए पराठा बन गया। कैसे बना अभी दिखा रहे हैं आपको, लाइव बने रहें वो फुल वीडियो को जरूर वॉच करें। बहुत ही शानदार, सॉफ्ट, टेस्टी बनेगा। पलटा दिया है पराठे को, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से क्या होता है, पराठे में सॉफ्ट रहता है और बहुत शानदार पकता है, ब्राउन हो जाएगा। तो इसको एक तरफ लगा लिए हैं, और एक तरफ लगाने के बाद इसको फिर से अपन पलटाएंगे और फिर उसी तरह ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल डालने से पता है आपको क्या होता है, इसमें बहुत अच्छे सॉफ्ट रहता है, नरम बनता है, टेस्टी रहेगा। जब तक अपन धनिया हमारी अच्छे से, ये चटनी बन गई है धनिया की और टमाटर की। अब उसी तरह से फिर अगला प्रोसेस बताते हैं आपको। देखिए कैसे, जैसे रोटी बनाते हैं ना उसी तरह गोल गोल करके बना लेना है आपको, और रोटी के शेप में उसको मसाले रखना है। अपन को जो तवे में पड़ी है पराठा उसको भी देखना है, देखो टूट रहा है पलटने पर, तो उसको भी विशेष ध्यान देना है आपको कि वहाँ ज़्यादा जलने ना पाए, ब्राउन ना होने पाए, नहीं फिर टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अभी चल रहा है, और इधर अपन क्या करेंगे फिर से, इसमें देखो रोटी की लोई बना है उसमें फिर काट करके मसाला डाल के बीच में, और फिर बेल देंगे उसको।
बेलने के बाद फिर वही पुनः प्रक्रिया करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको आप घर में इस रेसिपी को अपनाएं और शानदार आनंद लें इसका। तो ये देखो कितना अच्छा पका है ब्राउन, और इधर का मसाला भी ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा मसाला बीच में आ गया था और आटा कम था इसलिए। तो ये दोबारा देखो फिर से बन रहा है उसी तरह, सेम प्रोसेस है और बहुत ही शानदार बनेगा, टेस्ट लाजवाब रहेगा। तो ज़रूर आप इसको घर में ऐसी रेसिपी को बनाएं जब भी टाइम मिले, और बहुत भरपूर पर देखो इस तरह से आपको बनाना है, वो लोई बना करके।